आज पत्रकार वार्ता थी, सुबह सभी पत्रकार बंधु आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जैसा उनके हृदय में शिव जी का वास था वैसा उन्होंने महादेव की कृपा से पूछा। एक प्रश्न, दो प्रश्न दो एक पत्रकार बंधुओं ने भी कहे। आप कहते हो कि बेलपत्र का प्रयोग, आप कहते हो कि बटवृक्ष का प्रयोग, आप कहते हो पीपल के वृक्ष का प्रयोग, ये सब कुछ, ये सारा क्या साइंस से जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न था, हम उनको धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के प्रश्न के लिए। क्या ये सब साइंस से जुड़ा? क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी, आप कथा में जाकर बैठे हो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सुबेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहां बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रखकर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रखकर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डालकर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहां, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो यह सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं, ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। हो अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढना, अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय, तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना, 1 बजे से 4 बजे का समय या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बातचीत कर रहे होगे, किसी से झूठ भी बोल रहे होगे, किसी की निंदा भी कर रहे होगे, किसी को अपशब्द भी कह रहे होगे, घर में लड़ भी रहे होगे, झगड़ भी रहे होगे, मुंह फूल भी रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। 1 बजे से 4 बजे का समय तुम सो भी रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे, वो समय निकालना और समय निकालना। 7 दिन तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा, तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को सवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने